जी लॉर्ड मेरा नाम रीना अग्रवाल <coughs> अभी हमें चर्च में आते हुए करीबन दो साल हुए हैं और प्रभु ने मेरे ऊपर इतना बड़ा आशीष खोला है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वहाँ से मैं निराश हो चुकी थी कि शायद अब कुछ भी नहीं होगा <coughs> मैंने पास्टर जी से भी बोला था जब हम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हमें बोला था कि अब आप प्रभु में आ गए हैं चिंता मत करिए जो कुछ आपने खोया है आप कहीं उससे ज़्यादा पाएंगे पास्टर जी ने मुझे यही समझाया लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस चीज़ से बिल्कुल निराश हो चुकी थी जहाँ मैं डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल अब पाँच साल से मैं किसी डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं गई थी कोई मुझसे मुझे अगर सलाह भी देता था जाने की तो मैं उसके मुंह पर ही जवाब दे देती थी, थी कि मुझे किसी भी डॉक्टर पर विश्वास नहीं है और जब से मैं यहाँ आई जब मुझे पास्टर जी ने समझाया तो मैं यही कहती थी, थी कि बस मेरा डॉक्टर तो मेरा ये इशू है हर एक अस्पताल वही है सब कुछ वही है मेरे लिए तो और अभी पिछले मंथ पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे कि जो हन्ना के साथ हो सकता है वो हमारे साथ भी हो सकता है यहीं चर्च में मैं इस साइड पीछे बैठी हुई थी और सचमुच जैसे उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल उसी समय में वैसे ही प्रेयर करती रही और घर पे जाके भी उस दिन मुझे यही रहा कि हाँ क्यों नहीं हो सकता हमारे साथ भी हो सकता है और वही आशीष मुझे भी मिली है मेरे जीवन का वो क्षेत्र जो आठ सालों से सोना पड़ा हुआ था वो भर चुका है प्रभु की आशीष मुझे मिली है और जैसे मुझे मिली है मैं यही चाहती हूँ उन सभी बहनों को मिले जो उस आशीष की ओर देख रही हैं आमेन ये बताइए आपको पता भी नहीं लगा क्या क्या, क्या टेस्ट कराने के लिए क्या अच्छा हुआ क्या था आपको मतलब इस चीज़ की तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था क्योंकि कुछ सिम्टम जो होते हैं वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं थे पिछले आठ सालों से जब से मेरा बेबी हुआ था तब से वो सिम्टम ही नहीं थे कि ऐसा कुछ आगे होगा तो इसीलिए जैसे मैं सुबह उठती स्कूल के लिए तैयार होती तो मेरे को ना बार बार मेरे को चक्कर आते थे अभी एक हफ्ते पहले की बात है मैं स्कूल में एग्जाम चल रही थी तो बाहर बैठी तो सभी मेरी फ्रेंड्स बोलने लगी कि रीना तुम तुम्हारा चेहरा ना पीला हो रहा है मैंने कहा अच्छा मैंने कहा मुझे जॉन्डिस तो नहीं हो गया तो एक दो ने कहा भी कह रही हाँ बिल्कुल लग रहा है तुम्हारे हाथ हाथ सब पीले लग रहे हैं बिल्कुल तो अभी लास्ट संडे ना हम डॉक्टर के पास गए थे जॉन्डिस का चेकअप कराने के लिए मैंने जाते ही यही बोला डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो रहा है कुछ खाने का दिल नहीं करता और हर समय उल्टी आती रहती है चक्कर आते रहते हैं उन्होंने कहा कभी पहले भी हुआ मैंने कहा नहीं फिर उन्होंने अपने मिसिज को बुला के उन्होंने भी ये सब बातें पूछी मैंने कहा कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ भी मैंने कहा आप मैंने उनको बोला आप मेरे ना जॉन्डिस चेक कर लीजिए तो उन्होंने कहा आपको कैसे लग रहा है आपका जॉन्डिस मैंने कहा ये जॉन्डिस में ना ऐसे ही होता है मुझे पता है मेरी फैमिली में हो रखा है इसलिए मुझे, मुझे मालूम है तो फिर उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ एक चेकअप और करना पड़ेगा तो उन्होंने किया चेकअप जैसे तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैंने कहा हम फालतू में आ गए ये दो सौ रुपये फिलहाल फालतू के बनाएंगे अब अपने पहले ये अपने पैसे बनाएंगे और कुछ भी नहीं है लेकिन फिर उन्होंने जैसे चेकअप किया तो पॉजिटिव आया और उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेसन तो मुझे विश्वास नहीं हुआ बिल्कुल भी ये हुआ था हम जॉन्डिस के ही चेकअप के लिए गए थे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि शायद ऐसा भी होगा हाँ मेन जो हम भूल जाते हैं परमेश्वर हमारी जरूरतों को याद रखता है